नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्व आकर्षणीय मुद्रा। अगर आप इस सर्व आकर्षणीय मुद्रा का रोजाना अभ्यास करते हैं तो आप किसी को भी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी है या वहाँ का जो बॉस है उसे भी आप आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और अपना काम आसानी से वहाँ कर सकते हैं। अगर आपका किसी नाते संबंधी में या रिलेटिव में मन मुटाव हुआ है या कोई अनबन हुई है, वो आपसे बात नहीं कर रही है, तो उसे भी आप अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो शत्रु को भी आप आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और आप किसी धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, धन से संबंधित कोई समस्या है, तो आप अगर ये अभ्यास पहले से करते आ रहे हैं तो उस धन संबंधी समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं और धन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आपको कोई रोजगार चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, तो आप उसे भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और आप कोई पूजा करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, आप किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप अगर इस सर्व आकर्षणीय मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आप उस देवताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। नवग्रह है उसे भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और आप अपने भाग्य को भी धीरे धीरे बदल सकते हैं। तो सर्व आकर्षणीय मुद्रा किस तरह से किया जाता है तो उसकी क्रिया को भी जानेंगे। सर्व आकर्षणीय मुद्रा करने के लिए आपको ये कनिष्ठ का उंगली और मध्यमा उंगली को इस तरह से मिला लेंगे, यानी जो रिंग फिंगर है और छोटी उंगली है उसे इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में अपने दोनों अंगूठे को इस तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद में जो मध्यमा उंगली है उसको इस तरह से रखना है, उसको मिलाना नहीं है, इस तरह से रखना है। और तर्जनी उंगलियों को सीधा रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मुद्रा बना लेनी है। इस तरह से आप रखेंगे और रखने के बाद में आपको ध्यान करना है, या आप 10 से 12 बार प्राणायाम भी कर सकते हैं या 8 से 10 बार भी प्राणायाम भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप ध्यान भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको आंखें बंद करना है और आंखें बंद करके आप मन ही मन में ओम का जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सर्व आकर्षणीय मुद्रा का अभ्यास करना है। इससे होता क्या है कि अपने दोनों हाथों में पंच तत्वों की शक्ति है, जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इन पांच पंच महाभूतों की शक्तियां अपने अंदर है। उससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आपका बोलने का जो प्रभाव है, ध्यान है, वो बदल जाता है। और जो नवग्रह की जो शक्ति है अपने उंगलियों के माध्यम से आपके शरीर के भीतर आती है और उससे भी आपका आकर्षण बढ़ता है। तो इस तरह से इस सर्व आकर्षण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।